नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरॉइड्स में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 2019 1.2 पोलो TSI, वो पेट्रोल कार जो कि ऑटो एंथुसियास्ट के लिए हमेशा ही सबसे ज़्यादा पसंदीदा हैचबैक रही है। और 2019 में फोक्सवैगन ने इस गाड़ी में कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं, उसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी दिए हैं और एक नई लाइन यानी कि नया ट्रिम लेवल भी इंट्रोड्यूस किया है जिसे कि GT लाइन कहा जाता है। तो क्या है ये सारे बदलाव और 2019 में फोक्सवैगन पोलो कितनी रेलेवेंट है, कितनी सार्थक है एक ऑटो एंथुसियास्ट के लिए, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन से। और डिज़ाइन के बारे में बात करने से पहले आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि इसका जो नया जनरेशन वर्जन है वो इंटरनेशनल मार्केट में आ गया है, यहाँ पर अभी तक नहीं आया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ये भी जाननी ज़रूरी है कि ये अभी भी BS4 वेरियंट है, यहाँ पर आपके पास में BS6 वेरियंट नहीं आया है अभी तक। अगले साल में आपके पास BS6 वेरियंट भी आ जाएगा। लेकिन जो 2019 वेरियंट है यहाँ पर कुछ डिज़ाइन से रिलेटेड चेंजेस किए गए हैं। और सामने फेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये पियानो ब्लैक में हनीकॉम्ब मैश ग्रिल मिलता है अब, जो कि फोक्सवैगन की पोलो GTI जो है, जो ज़्यादा पावरफुल कार है और इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुई थी, 25 लाख रुपीस से भी ज़्यादा उसकी कीमत थी, उससे इंस्पायर्ड है। जो इसका फ्रंट बम्पर है इसे भी अब ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया गया है, अब ये ज़्यादा फ्लेयर्ड लगता है और कार को ज़रा ज़मीन को पकड़ के चलने का आभास दिलाता है। तो जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये ज़रा ज़्यादा स्पोर्टी कार है। यहाँ पर एक जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि हेडलैम्प्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प्स भी नहीं मिलते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी नहीं मिलते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर आपको DRLs भी नहीं मिलते हैं। तो ये यहाँ पर मेरे ख्याल से एक छोटी चूक है। हेडलैम्प्स यहाँ पर ऑटोमेटिक भी नहीं है और इस तरह की एक प्रीमियम गाड़ी में मेरे ख्याल से ये सारे फीचर्स होने चाहिए थे। ये जो व्हील्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नए व्हील्स हैं, इनका डिज़ाइन नया है, 195 सेक्शन वाइड टायर्स हैं यहाँ पर। और कि 16-inch व्हील्स होने के कारण राइड क्वालिटी जो है वो ज़रा स्टिफ लगती है, लेकिन ये गाड़ी हैंडलिंग और परफॉर्मेंस के लिए बनी है और उस लिहाज से ये व्हील्स मेरे ख्याल से इस तरह के एप्लीकेशन के लिए बिल्कुल ठीक है। और इस कलर में ये काफ़ी क्लासी लगते हैं, मेरे ख्याल से ज़रा और स्पोर्टी लग सकते थे लेकिन अगर आप इसकी फिनिश देखेंगे तो ये काफ़ी क्लासी लगते हैं। और अगर आप इसकी तुलना करेंगे जो कुछ दूसरे अलॉय व्हील्स आते हैं तो उसके मुकाबले आपको क्वालिटी में फ़र्क डेफिनेटली नज़र आएगा। यहाँ पर जो टायर्स हैं ये मेनस्ट्रीम टायर्स हैं, गुडियर के एश्योरेंस टायर्स हैं, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है ताकि पंक्चर्स ना हो। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको 165 mm मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन अपने सेगमेंट के हिसाब से सफिशिएंट है। आप अगर पीछे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर में ब्लैक ORVMs मिलेंगे अब। और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो ये मिनी साइड स्कर्ट जैसी आपको एक ब्लैक इंसर्ट मिलेगी यहाँ पर, जिससे कि गाड़ी को ज़रा और वाइड होने का आभास मिलेगा। इसके अलावा पीछे अगर आप जाएंगे तो ये GT TSI का जो बैज है ये यथावत है, जैसा पहले था वैसा ही है। और ये स्पॉइलर जो है काफ़ी बड़ा और स्पोर्टी स्पॉइलर, इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है जिससे कि गाड़ी का स्पोर्टी लुक जो है वो और भी उभर के सामने आता है। ये पीछे वाला जो बम्पर है यहाँ पर भी बदलाव किए गए हैं और यहाँ पर आपको एक फॉग डिफ्यूज़र जैसा लुक मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं ये जनरली जो रियल डिफ्यूज़र्स होते हैं गाड़ियों में, जो कि गाड़ी की पकड़ को ज़मीन पर एरोडायनामिकली बनाने में मदद करते हैं, उसको मिमिक करता है, वैसा नहीं है असल में, ये काम नहीं करता है लेकिन ये देखने में गाड़ी को ज़रा ज़्यादा और स्पोर्टी दिखाता है। पीछे टेल लैंप्स भी बदल दिए गए हैं और ये बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, अब मिनिमल है लेकिन काफ़ी डिटेलिंग है इसके अंदर और ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं जब जल उठते हैं तो। इसके अलावा पीछे अब ये जो सेंसर्स हैं ये मैंडेटरी हैं, तो आपको यहाँ पर ये सेंसर्स मिलते हैं। और ये फोक्सवैगन पोलो का जो बैज है ये इस तरह से अंदर जाता है बूट को खोलने के लिए। यहाँ पर एक जो बड़ा ओमिशन है वो ये है कि आपको रियर व्यू कैमरा नहीं मिलता है और इस तरह की महंगी गाड़ी में मेरे ख्याल से आपको रियर व्यू कैमरा ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये जो सारे डिज़ाइन से रिलेटेड बदलाव मैंने आपको बताए, ये मैंने आपको GT TSI के बारे में बताए। इसके अलावा 2019 के लिए फोक्सवैगन ने GT लाइन नाम का एक ट्रिम लेवल निकाला है जहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें मिलती हैं, हालांकि इनके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है। और ये जो फीचर्स हैं उनमें एक यहाँ पर आपको बैजिंग मिलती है GT लाइन की, यहाँ पर आपको GT लाइन की स्टिकरिंग मिलती है और जो रूफ़ है ये वहाँ पर आपको ऑल ब्लैक मिलेगी, पूरी ब्लैक्ड आउट रूफ मिलेगी। तो ये तीन एनहांसमेंट्स आपको मिलेंगे GT लाइन जो ट्रिम लेवल है वहाँ पर। ये वाला जो वेरिएंट है ये GT TSI वेरिएंट है। अब ये वाला जो वर्जन है पोलो का इसे इंडिया में 10 साल हो चुके हैं और उससे पहले भी जब इंटरनेशनली लॉन्च हुआ था और मैंने इसे पहली बार देखा था तो उसे देखते ही मैं इस पर फिदा हो गया था। मुझे ये काफ़ी टाइमलेस लगी थी उस वक्त भी और आज भी अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी कोई बहुत पुरानी है। इसके जो प्रोपोर्शंस हैं, इसकी स्टाइलिंग है, ये बहुत ही टाइमलेस है और एक क्लासिक गाड़ी है। तो अगर स्टाइलिंग के लिहाज से आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको अभी भी उतनी ही खूबसूरत लगेगी जितनी काफ़ी साल पहले लगती थी। अब चलिए हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास में कौन कौन से फीचर्स हैं, क्या इस गाड़ी की स्ट्रेंथ्स हैं और क्या इसकी वीकनेसेस हैं।
अंदर घुसने से पहले हम लोग ज़रा इस चाबी को देख लें। और ये जो चाबी है यहाँ पर आपको और दूसरी गाड़ियों की तरह अभी भी पुश बटन स्टार्ट का फीचर या फिर रिमोट सेंसर नहीं मिलेगा, तो आपको जो चाबी है इससे डोर अनलॉक करने के लिए बटन दबाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक जो विशेष फीचर है वो ये है कि आप इस बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जो ग्लासेस हैं विंडो ग्लासेस ये ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे। उसी तरह से अगर आप लॉक बटन ज़ोर से दबा के रखेंगे तो विंडोज़ जो है ये अपने आप ऊपर चढ़ जाएंगी। जब आप ये अनलॉक बटन एक बार दबाएंगे तो आपको इस तरह के हॉर्न की आवाज़ आएगी दो बार। अंदर घुसने के लिए आपको जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नीची भी नहीं है, आप आराम से अंदर घुस सकते हैं। अंदर घुसते ही आपको महसूस होगा कि ये जो इंटीरियर है ये कुछ विशिष्ट है। हालांकि ये जो प्लास्टिक्स हैं डैशबोर्ड पर ये अब ज़रा हार्ड लगते हैं आज के दौर में अगर आप इन्हें देखने जाएंगे तो, लेकिन जब आप स्टीयरिंग को देखते हैं और ये जो बटन्स हैं जो डायल्स हैं इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो क्वालिटी है बड़ी ज़बरदस्त है। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता है तो आपको की इस तरह से इंसर्ट करनी होगी, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये बड़ा ही क्लासिक इंस्ट्रूमेंट कंसोल नज़र आएगा। ये पूरी तरह से डिजिटल नहीं है लेकिन बीच में एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये टच स्क्रीन सिस्टम जो है ये काफ़ी अच्छा है और इस गाड़ी की इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये काफ़ी रेलेवेंट है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक मिलता है। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर आप USB इस कार्ड के द्वारा या फिर इस ऑक्स इन के द्वारा प्ले कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको मिलेगी। AC के जो कंट्रोल्स हैं ये बहुत ही टैक्टाइल है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिल्वर ट्रिम्स जो है बीच में जो इंसर्ट्स हैं ये इस गाड़ी का जो इंटीरियर है इसे काफ़ी अच्छे से लिफ्ट करते हैं, काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम्ड है और लेदर रैप्ड है, देखने में बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पे जो कंट्रोल्स हैं ये भी काफ़ी इंट्यूटिव हैं। आपको इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, यहाँ पर आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं और सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा सेफ गाड़ियों में से एक है। फोक्सवैगन पोलो बहुत ही सेफ, बहुत ही स्टेबल गाड़ी है। न सिर्फ इसकी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग है, इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है और इसका जो सेफ्टी है वो बहुत अच्छा है। इसकी जो पूरी बॉडी है इसे विशेष तरीके से प्रोसेस किया जाता है और किसी भी तरह का कोरोजन या किसी भी तरह की वीकनिंग आपको इस बॉडी में सालों साल नज़र नहीं आएगी। 3 साल की पेंट पर आपको वारंटी मिलती है और फोक्सवैगन अब इस गाड़ी पर आपको 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी भी दे रहा है, 4 साल का रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। एक और जो बड़ा बदलाव किया गया है 2019 के लिए वो ये है कि ये सीट का जो फैब्रिक है और इसका टेक्सचर है इसे चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर आपको ये रिब्ड इफेक्ट मिलेगा। ये काफ़ी क्लासिक स्टाइलिंग है और ये सीटें हमेशा से ही काफ़ी कंफर्टेबल रही हैं और अभी भी ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अलावा फोक्सवैगन कनेक्ट जो है वो आपको जो GT सीरीज है या GT लाइन सीरीज है वहाँ पर आपको स्टैंडर्ड मिलता है। अब फोक्सवैगन कनेक्ट जो है ये आपको आपके फ़ोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में कनेक्ट करने देता है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। ये काम कैसे करता है इस बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो किया है जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इस डोर पैनल को देखते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, एक बड़ी बॉटल यहाँ आ सकती है और कुछ और स्पेस बचेगा। हालांकि प्लास्टिक ज़रा हार्ड है लेकिन कंप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, क्वालिटी अभी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये सैटिन सिल्वर डोर पुल मिलेगा आपको। जो मिरर्स है ये फोल्डिंग है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और विंडो बटन सारे वन टच कंट्रोल्ड हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है और डोर सिल्स पर आपको GT TSI की ये काफ़ी क्लासिली डन लेटरिंग मिलेगी। एक और बड़ा ही क्लासी और स्पोर्टी फीचर जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये मेटल पेडल्स मिलते हैं जिसके ऊपर आपको ये रबर स्टड्स मिलेंगे जिससे आपको ग्रिप भी मिले लेकिन देखने में बहुत ही क्लासी और स्पोर्टी नज़र आए। ग्लव बॉक्स यहाँ पर आपको कूल्ड मिलेगा और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। इंटरनल RVM जो है ये ऑटो डिमिंग है, बहुत अच्छा फीचर है, लेकिन यहाँ पर आपको बत्ती नहीं मिलेगी वैनिटी मिरर के लिए, ऑल्दो वैनिटी मिरर यहाँ पर मौजूद है। और ड्राइवर साइड सनशेड जो है यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा लेकिन ये एक टोल टिकट ज़रूर मिलेगा, यहाँ से आप लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका ड्राइव सेलेक्टर है DSG के लिए और इसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे। यहाँ दो आपके पास कप होल्डर्स हैं और एक 12 वोल्ट पावर सॉकेट भी है, तो इस USB चार्जर के साथ में ये एक 12 वोल्ट सॉकेट आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा ये एक छोटा स्पेस यहाँ पर है जिसे कि आप अपना वॉलेट या फिर सेलफोन रखने के लिए काम में ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको दो लंबे स्पेसेस प्रोवाइड किए गए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपना कोई छोटा मोटा सामान जैसे कि कीज़ या फिर कॉइन्स रखने के लिए। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, 5 फुट 10 इंच के आसपास मेरी हाइट होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर हेडरूम की कोई कमी नहीं है। आप में से जो लोग 6 फुट या उससे ज़्यादा हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल जो फील आपको यहाँ पर आएगा वो काफ़ी प्रीमियम, एक काफ़ी क्लासी फील आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बड़ी मजबूत गाड़ी में बैठे हुए हैं। इनफैक्ट जैसे ये गाड़ी मूव करना शुरू करेगी स्टीयरिंग का जो हैवीनेस है और जो ओवरऑल गाड़ी की स्टेबिलिटी है वो आपको तुरंत महसूस होगी, तो एक बड़ी सेफ सिक्योर बड़ी ही इवॉल्व गाड़ी में बैठे हैं ऐसा आपको महसूस होगा। ये जो डैशबोर्ड है ये भी ज़रा ड्राइवर की ओर
टिल्टेड है, ये जो सेंटर कंसोल है इसे ड्राइवर की तरफ ओरिएंट किया गया है ताकि आपको ऐसा लगे कि ये गाड़ी जो है ड्राइवर ओरिएंटेड है। आगे की ओर जैसा कि मैंने आपको बताया सीट्स, फीचर्स, स्पेस सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन सेम चीज़ हम पीछे वाली सीट के लिए नहीं बोल सकते। और ऐसा क्यों है चलिए वहाँ बैठ के देखते हैं। अब जब इस गाड़ी में आप पीछे बैठेंगे तो आपको तुरंत ये समझ में आएगा कि यहाँ पर लेग रूम बहुत ज़्यादा नहीं है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और फोक्सवैगन पोलो अपने सेगमेंट में अपने बैक सीट स्पेस के लिए कभी ज़्यादा अच्छे से जानी नहीं गई, और वो चीज़ अभी भी लागू होती है। हालांकि यहाँ पर आपको दोनों तरफ ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन यहाँ बीच में ये बड़ा हम्प होने के कारण यहाँ पर आप तीसरा पैसेंजर नहीं बिठा सकते कंफर्टेबली। पीछे आपको किसी भी तरह का कोई एमिनिटी नहीं दिया गया है, ना आपके पास रेयर एसी वेंट्स हैं, ना आपके पास कोई चार्जिंग सॉकेट है, तो ये मेरे ख्याल से एक ऑमिशन है। और थर्ड पैसेंजर के लिए यहाँ पर आपको ना तो सीट बेल्ट दी गई है, ना ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। तो अगर आपको पीछे वाली सीट शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज के लिए यूज़ करनी है तो ठीक है, लेकिन ये जो सीट है ये लंबी जर्नीज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है। अगर आप पीछे वाले डोर पैनल्स भी देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपके पास प्रॉपर बॉटल होल्डर्स नहीं है, और ये भी जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से नए 2019 वर्जन में सॉल्व की जानी चाहिए थी। अब फोक्सवैगन पोलो जो है ड्राइवर ओरिएंटेड कार है, और पीछे अगर आप बैठेंगे तो पीछे का जो एरिया है ये इसी ओर इशारा करता है कि ये गाड़ी पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि ड्राइवर्स के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। पीछे आपके पास एसी वेंट नहीं है, लेकिन जो एसी है अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग है, और बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पीछे बराबर ठंडक नहीं मिल रही है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि बूट कितना बड़ा है और इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले वहाँ पर कितना स्पेस है। अब देखिए बूट अगर यहाँ पर आप एक नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि बूट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे 280 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिलता है, और अगर आप इसे Hyundai i20 Elite से कंपेयर करें तो वहाँ पर भी आपको 5 लीटर ज़्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करें जैसे कि बलेनो या फिर जैज, तो वहाँ पर आपको लगभग 340 से 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप इस फ्लोर मैट को उठाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर आपको फुल साइज्ड स्पेयर नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको 14 इंच स्टील रिम के ऊपर ये टायर मिलेगा, और ये भी 175 सेक्शन है, तो यहाँ पर आपको फुल साइज्ड अलॉय नहीं मिलता है। ये पार्सल ट्रे यहाँ पे आपको ज़रूर मिलती है, जिससे कि अगर आपके पास कुछ छोटे सामान हैं जिन्हें आप डालना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो लोडिंग एरिया है वो ज़रा बढ़ जाता है और आप कुछ और सामान यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जहाँ तक इंजन, ट्रांसमिशन और ड्राइव ट्रेन की बात आती है, तो ये जो गाड़ी है ये पूरी तरह से अपरिवर्तित है, पहले जैसी है, और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इस गाड़ी का जो इंजन ट्रांसमिशन है इसका कोई सानी नहीं है, इस गाड़ी का कोई पैरेलल नहीं है इस सेगमेंट के अंदर। 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल लगा हुआ है यहाँ पर, और पावर आउटपुट जो है 105 पीएस है, और जो पीक टॉर्क है यहाँ पर आपको मिलता है 175 न्यूटन मीटर्स का। ये दोनों ही वैल्यूज जो है इस सेगमेंट लीडिंग है, और इस गाड़ी का 0 to 100 टाइम अगर आप देखेंगे तो लगभग 11 सेकंड्स है। टॉप स्पीड ये 170 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा करती है, और सिर्फ वो ही नहीं है, इस गाड़ी का जो हैंडलिंग है, जिस तरह से ये गाड़ी चलती है, जिस तरह से इसका स्टीयरिंग का फीडबैक है, जिस तरह से इसका बॉडी रोल कंट्रोल किया गया है, ये सभी चीज़ें इसे बहुत ही विशिष्ट बनाती है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है DSG का 7 स्पीड ट्रांसमिशन, जो कि सेगमेंट का अकेला ट्विन क्लच ट्रांसमिशन है, और सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा क्विक है, सबसे ज़्यादा स्मूथ भी है। यहाँ पर आपके पास 3 मोड्स हैं, आप चाहें तो इसे ड्राइव मोड में चला लें नॉर्मली, या फिर इसे ऑटोमेटिक मोड में ही स्पोर्ट मोड में डाल दें, जहाँ पर आपका जो शिफ्ट पॉइंट है वो ज़रा ऊपर चला जाता है। ड्राइव मोड में आपका जो शिफ्ट है वो लगभग 5,500 पर होता है, लेकिन स्पोर्ट मोड में 6,000 आरपीएम तक आप लेकर के जा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसे मैनुअल मोड में इस तरह से डाल सकते हैं, और फिर आप इसे सीक्वेंशियली इस तरह से शिफ्ट करके मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। अब इस गाड़ी का जो हैंडलिंग है, इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है, इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, मैं इसे बहुत ही संक्षिप्त तौर पर कहूँगा, और इस सेगमेंट की ये बेस्ट गाड़ी है। अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी लेनी है, हैंडलिंग ओरिएंटेड गाड़ी लेनी है, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं और आपको ज़्यादातर खुद गाड़ी चलानी है, पीछे वाले पैसेंजर्स का कंफर्ट और स्पेस अगर आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये गाड़ी बेशक ले सकते हैं। फ्यूल एफिशिएंसी 17 किलोमीटर पर लीटर से ज़रा ज़्यादा है ARAI द्वारा स्पेसिफाइड, सिटी में आपको लगभग 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर मिलेगा, और हाईवे पर अगर आप एक हल्के राइट फुट के साथ चलेंगे तो आपको 13 किलोमीटर पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। फ्यूल एफिशिएंसी इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन हैंडलिंग और परफॉर्मेंस बेहतरीन है। नेगेटिव्स की मैं अगर बात करूँ तो कुछ फीचर्स मिसिंग हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर रेयरव्यू कैमरा होना चाहिए था, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स होने चाहिए थे, रेयर एसी वेंट्स भी होने चाहिए थे, और कुछ इस तरह की जो एमिनिटीज हैं ये यहाँ पर मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। लेकिन इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा USP है वो है इसकी ड्राइविंग प्रोग्रेस, इसकी हैंडलिंग प्रोग्रेस, इसका परफॉर्मेंस, और वहाँ पर आपको शिकायत करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको इस गाड़ी का मज़ा लेना है तो आपको इसे रेव करना होगा, और इसकी साउंड जो है ये भी आपको बहुत मज़ा देगी, इसकी साउंड भी काफ़ी स्पोर्टी है, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस गाड़ी को चला करके।
तो क्या Volkswagen Polo 1.2 GTTS है आज भी रेलेवेंट है? अब आप में से जिन लोगों को गाड़ी चलाना पसंद है, जिन लोगों को एक छोटी लेकिन बड़ी ही फास्ट गाड़ी खरीदने का शौक है, उन लोगों के लिए मेरे ख्याल से इस गाड़ी का कोई रिप्लेसमेंट आज भी नहीं है। और अगर आप पेट्रोल गाड़ियों की बात करें खास करके, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल विशिष्ट है। यहाँ पर आपको 7-speed DSG ट्रांसमिशन मिलता है जो कि टोटली अनमैच्ड है। इस तरह का दूसरा ट्रांसमिशन आपको किसी और हैचबैक में नहीं मिलेगा। एक और जो बड़ी खास बात है वो ये है कि इस गाड़ी को केवल स्पीड के दीवाने ही खरीदते हैं। इसका एक विशिष्ट मार्केट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है ये गाड़ी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं खरीदते हैं, लेकिन जो लोग इस गाड़ी को खरीदते हैं वो इसे बड़ा प्यार करते हैं, और इसलिए इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी काफ़ी अच्छे से होल्ड होती है। आपको यूज्ड कार मार्केट में ये गाड़ी सस्ते में नहीं मिलेगी। तो उस लिहाज से अगर आप इसकी प्राइस को देखें तो इसका जो 9.8 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम प्राइस है, ये ज़रा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें इस सेगमेंट में दूसरी गाड़ियों से, तो असल में ऐसी कोई दूसरी गाड़ी है नहीं। जो बेलेनो RS है वो इसके सबसे नज़दीक आती है, वहाँ पर आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, और प्राइस जो है वहाँ पर आपको मिलती है 7.9 लाख रुपीज़ की, लेकिन वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। उसके अलावा आपके पास में होंडा जैज भी है जहाँ पर आपको CVT मिलता है, आपके पास में Hyundai i20 भी है जहाँ पर आपको अगेन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, और वहाँ पर भी जो प्राइसेज हैं बहुत कम नहीं है। जैज का जो टॉप एंड वेरियंट का प्राइस है वो आपको लगभग 9.3 लाख रुपीज़ के आसपास जाएगा, और Hyundai इलीट जो है CVT एस्टा वेरियंट, वहाँ पर भी 9 लाख रुपये से ऊपर आपको एक्स शोरूम प्राइस देनी पड़ेगी। और उन दोनों गाड़ियों से अगर आप परफॉर्मेंस के लिहाज से इस गाड़ी को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है। तो अगर आपको गाड़ी तेज़ चलाना पसंद है, आपको एक वाकई में वेल बिल्ट वेल हैंडलिंग गाड़ी चाहिए जो कि आपको हर रोज़ अपने काम तक ले जा सके, और जब आपको वीकेंड पर अपने आपको एंजॉय करने के लिए उस गाड़ी को चलाना है तो भी आपको पूरी तरह से तरोताज़ा कर सके, तो Volkswagen Polo GT जो है ये मेरे ख्याल से आपकी अल्टीमेट चॉइस होनी चाहिए। इस गाड़ी का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे ख्याल से नहीं है, और जो कीमत ये डिमांड करती है मेरे ख्याल से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। हालांकि अगर आप जाकर के इंक्वायर करेंगे तो शायद आपको कुछ छोटा मोटा डिस्काउंट शोरूम पर मिलेगा। इसके अलावा आपके पास में डीजल वेरियंट भी है GT का, जहाँ पर आपके पास में कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर आपको उतना पैसा खर्च नहीं करना है तो वहां पर शायद आप फोर्ड फिगो जो है उसका डीजल लेकर के भी काफी हद तक अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, वहां पर आप कुछ बचत कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल गाड़ियों की जहां तक बात है Polo GTTSI का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर आपको जो बेसिक वेरिएंट है MPI पेट्रोल वाला वो लेना है, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप उस सेगमेंट की किसी दूसरी गाड़ी को ले लें, क्योंकि वहां पर जो इसका परफॉर्मेंस है वो आपको नहीं मिलेगा और दूसरी गाड़ियों में आपको फीचर्स ज्यादा मिलेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपके जितने भी सवाल थे Polo GTTSI 2019 मॉडल के बारे में उन सबका मैं जवाब दे पाया। फिर भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप उन्हें प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे बड़ी खुशी होगी आपके सारे सवालों के जवाब देकर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें मोटरॉइड्स को, और इसे अपने कार लवर दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हैं, वहां पर भी हमें फॉलो करें। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।